आईएएस अफसर सोनिया मीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि हाई कोर्ट की जज की जो टिप्पणी है और जो तेवर है सख्त तेवर वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मुश्किल बढ़ गई है और मुश्किल बढ़ गई एक गलती से और वो भी हाई कोर्ट के जज के सामने वो गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि मैडम की आईएएस मैडम की जो है मुसीबत बढ़ गई तो मैं आपको बता दूं, दरअसल जमीन विवाद से जुड़े मामले में उन्होंने हाईकोर्ट जज को सीधे चिट्ठी लिख दी थी। कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान एसडीएम ने ये चिट्ठी दिखाई तो जस्टिस गुरपाल सिंह आहूलवालिया भड़क गए। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा साफ तौर पर कि अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि सीधे हाईकोर्ट जज को चिट्ठी लिखी जाए और इसी पर जज साहब का गुस्सा निकला। एडिशनल कलेक्टर उसे लगता है कि मेरी कलेक्टर है तो कुछ भी कर सकती है, आपकी एडिशनल कलेक्टर की नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है, जाक बनाकर रखा हुआ है। जब डिप्टी एडवोकेट जनरल की तरफ से बात कर रहा है और वो पीछे खड़े होकर मुझे कलेक्टर का लेटर दिखा रहा है, मैं सीधे सस्पेंड का निर्देश देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे उसे सीएस रिवोक करते हैं। आप लोगों के अफसरों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपको कुछ समझते नहीं? एडीएम समझते हैं कि अगर हाईकोर्ट जज को कलेक्टर ने लेटर लिख दिया तो सब कुछ हो गया। तो कुल मिलाकर ये मामला बढ़ चुका है क्योंकि पहले भी हाईकोर्ट में इस बात को लेकर खबर आई थी कि इस मामले में मैडम के हाजिर ना होने की वजह से जज साहब खुद नाराज हो गए थे, एसडीएम आए थे, तब उस समय कारण दिया गया था कि जो कलेक्टर मैडम है वो किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं, शासकीय काम में, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन जज की जो सिंगल बेंच है उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी सीधे कलेक्टर नर्मदापुरम जो है मैडम सोनिया मीणा, उन्होंने सीधे जज को लिख दिया जिसमें व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी गई। कलेक्टर नर्मदापुरम का ये आचरण अक्षम्य है, ये शब्द जो बात आई निकल के जज साहब के थे कि सीधे चिट्ठी लिख दी कि मैं पेश नहीं हो पाऊंगी किसी कारणों से, तो इसी बात पर जज साहब का गुस्सा निकला और उन्होंने ये शब्द जो टिप्पणी की जो बात जानकारी आई वो ये कि अफसरों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि हाईकोर्ट के जज को इस तरीके के शब्द लिखे जाए। अदालत ने एसडीएम के आचरण पर भी नाराजगी जताई जिसमें खुली अदालत में वो लिफाफा वो दिखा रहे थे। जब राज्य सरकार के वकील पहले ही कलेक्टर के लिए पेशे की छूट मांग कर रहे थे तो एसडीएम साहब को ये गलतफहमी थी कि चूंकि कलेक्टर द्वारा सीधे अदालत को संबोधित करके लिखा गया इसलिए ये अदालत प्रभावित होगी वहाँ। लेकिन मामला कुछ और हो गया वहाँ, इसलिए मामला हो गया कि जज साहब को ये लगा कि सरकारी वकील पक्ष रखेंगे, सीधे हाईकोर्ट को एड्रेस नहीं कर सकता है कोई भी अधिकारी इस तरीके से कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं कोर्ट में पेश नहीं हो पाऊंगा। यही वजह है कि इस मामले ये मामला सुर्खियों में आ गया और कहा जा रहा है आईएएस मैडम की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि जज साहब ने सीधे टिप्पणी करके कह दिया कि ये अक्षम्य है। अक्षम का अर्थ आप समझते हैं। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में हाईकोर्ट क्या करता है और आईएएस मैडम क्या जवाब देती है। आप देखते रहें एमपी तक।